कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार की कमियों को लगातार उजागर कर रहे हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और सरकार के सामने पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। अग्निवीर का मामला हो या दिहाड़ी मजदूरी का, हर किसी की आवाज को राहुल गांधी अपनी आवाज दे रहे हैं। आज वो एक बार फिर दिल्ली में श्रमिकों से मिले, देखे रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम लोगों से लगातार मिल रहे थे। आम लोगों से मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक रुकता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी कभी कारपेंटरों से तो कभी ऑटो ड्राइवरों से तो कभी कूलियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या की जानकारी लेते रहे हैं और अब वो एक बार फिर आम लोगों के बीच पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे, जहां काम की तलाश में खड़े दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ बैठकर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि हाथ से काम करने वालों की आज हिंदुस्तान में कोई इज्जत नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। आज जीटीबी नगर में काम की तलाश में रोज खड़े रहने वाले मजदूरों से मिलकर ये बात पुख्ता हो गई। महंगाई की मार में मामूली सी दिहाड़ी पर गुजारा और उसकी भी गारंटी नहीं। हिंदुस्तान के मजदूरों को, हाथ से काम करने वालों को उनका पूरा हक दिलाना है, सम्मान दिलाना है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। दरअसल जिन मजदूरों से राहुल गांधी मिले उनके रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। जिस दिन काम मिल जाता है उस दिन का मुश्किल से गुजारा चल पाता है और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन जिंदगी काटना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई के आगे उन्हें मिलने वाली मजदूरी कम पड़ जाती है। इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने कहा, दरअसल चुनावों के समय भी राहुल गांधी लगातार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, किसान और दिहाड़ी मजदूरों की दशा सुधारने की बात करते रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसे लेकर उन्होंने कई बड़ी गारंटियां दी थी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो इन गारंटियों को लागू करने का काम भी शुरू हो जाता, लेकिन अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।